नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर्व रही आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हम आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक गैस लाइटर कैसे बनाएं, इसका पूरा विवरण, क्या लगा इसमें, कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। साथ में करीब दो दिन से फीवर बुखार हो जाने के कारण थोड़ा अस्वस्थ हूँ, फिर भी आप लोगों के बीच में बहुत ही लेटेस्ट यूनिक वीडियो लेके आया हूँ। हमारे स्वास्थ्य के ठीक होने की आप लोग कामना करें। तो गाइस, करना क्या आप लोगों को, एक लकड़ी का आपको चिमटा लेना है। ये वो लकड़ी का चिमटा है से अधिकांश हम लोग हीटर में रोटी सेकने पलटने में काम में लाते हैं। इस लकड़ी के चिमटे के ऊपर आपको ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, ये सर्किट आपको लगानी है, और ये वो सर्किट है जो किसी भी आपको इस बल्ले में मिल जाएगी। ठीक है, ये बल्ला कोई भी आप चालू बल्ला ले लें, ऐसे ये बल्ला चालू रहेंगे, ठीक है, तो ये बल्ले में आपको वो सर्किट मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी बूस्ट करंट बनता है, देखें आप, देखा, ठीक है। तो ये सर्किट जो आपको ऊपर लगानी है, वो सर्किट इस बल्ले में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप पुराना कोई बल्ला पड़ा हो आपके यहाँ, उसमें से निकाल ले, बस सर्किट ये वाली सर्किट जो चालू होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बल्ले से आप निकाल सकते हैं, बल्ला चालू होना चाहिए, इसमें करंट बनना चाहिए, जैसे कि इस बल्ले में करंट बन रहा आपका, ये देखें आप लोग, बन रहा, देखा आपने, देखा आप लोगों ने, ये करंट बन रहा आपका। तो ये बल्ला आपका चालू होना चाहिए, देखें करंट बन रहा आपका, बन रहा, ठीक है। तो ये बल्ला आपका चालू होना चाहिए, मच्छर वाला रैकेट है ये, तो इसमें से ये आप सर्किट निकाल लें। ठीक है, ये, ठीक है, निकालने के बाद में आपको क्या करना है, इसी सर्किट के ऊपर आपको एक ये वाला सॉकेट लगाना है, चार्जिंग वाला है, देखें आपको, ठीक है, ठीक ऊपर एक आपको बैटरी लगाना है, और एक माइक्रो पुश वाला स्विच लगाना है, ये देखें रेड कलर का लगाओ। इसके साथ आपको क्या करना है कि बल्ले में तीन प्रकार के कनेक्शन यहाँ जाली पर आते हैं। एक जो कॉमन कनेक्शन होता है वो आपका जाता है जो बीच में बल्ले में जो जाली होती है उस बल्ले में जाती है। तो बीच में जो जाली होती है तो कॉमन कनेक्शन बीच में जाता है, और ऊपर और नीचे एक एक कनेक्शन जाता है। ठीक है, तो जो सर्किट आप निकालेंगे उसमें से दो बार आपको निकालना है, दो ही बार उसमें निकलते हैं, तो दो बार जो आप निकालेंगे उनको क्या करना है आपको, एक बार को तो आपको सीधा ऊपर ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, ये जुड़ा हुआ देख रहे हैं आप, और ऊपर से एक लोहे की पत्ती आपको लगा देनी है, कोई भी लोहे की पत्ती हो ये लगा देना। दूसरा बार आपको चिमटे के बीच से एक कनेक्शन करना है, कनेक्शन करके ये बार दिख रहा है ब्लैक कलर का बार है, ये बार आपको यहाँ से निकाल के और उसको इस साइड से जोड़ना है। ठीक है, इस साइड से आपको जोड़ देना है। ठीक है, और बीच में चिमटे के अंदर एक स्प्रिंग लगा देना, जिससे हम इसको ऐसे दबाव डालें तो ये अपनी जगह वापसी हो जाए। देखें ऐसे कैसे वापसी होगा, ये देखें वही करंट बन रहा था, बूस्ट करंट बन रहा बूस्ट कर। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब आप रुई लें, ठीक है, ये देखें रुई है, रुई में थोड़ा सा केरोसिन ऑयल, पेट्रोल कुछ भी लें आप, और ऐसे इसको, बहुत ही बढ़िया काम करता है ये, सेकंडों में आपकी रुई में आग लगा देगा, गैस जला देगा। देखें आप लोग गैस कैसे जलाते हैं। इस लाइटर को आप जरूर बना लें, आपको गैस जलाने के लिए माचिस नहीं ढूंढनी पड़ेगी, ना ही कोई आपको लाइटर लेना पड़ेगा। देखें आप लोग ऐसे दबाओ, रेगुलेटर खोलो, तुरंत आग पकड़ लेता है ये, बहुत ही बढ़िया ये लाइटर है। एक बार चार्ज कर लें आप तो कम से कम 15-20 दिन तक आराम से आप गैस जला सकते। इलेक्ट्रॉनिक्स गैस लाइटर रिचार्जेबल, चार्ज भी हो जाता है ये। ठीक है,
इससे आप अपने रसोई घर की गैस को जला सकते हैं। हर खेत खलिहान में आप कहीं भी सर्दी में आपको आग जलाना है, माचिस आपकी गीली हो जाए, सीड़ जाए, काम ना करे, तो ये आपका फैल नहीं होगा। ये देखें आप लोग, फिर दोबारा ये देखें आप लोग, बिल्कुल सॉफ्ट हल्के हाथ से जैसे इस पुश को, माइक्रो पुश को आप पुश करेंगे, ये वाले पुश को पुश करेंगे और कॉटन के पास ले जाएंगे और आपको आग पकड़ लेगा। ये देखें बिल्कुल आराम से आग लगती है, ये देखें देखा, बिल्कुल आराम से ऐसे पुश को आप पुश करेंगे और इसके पास कॉटन के पास ले जाएंगे और आपका आग पकड़ लेंगे। देखें आप, देखा आप लोगों ने, तो इसको आपको बना लेना है, बिल्कुल आसान है बनाना, ठीक है। दूसरी बात, ये वाले लाइटर चलते हैं लेकिन कुछ समय बाद ख़राब होने के चांसेस के बढ़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो परेशानी का सामना पड़ता है। मौके कभी माचिस हो ना हो, लेकिन ये आइटम आपका कभी फेल नहीं होने वाला और ये चार्ज भी हो जाता है। अभी इसको हम चार्ज करके दिखाएंगे, पहले आप एक बार ट्राई ज़रूर करें इसको, ये देखें, देखा आप लोगों ने, ठीक है। बिल्कुल आसान है इसका बनाना, बहुत ही गजब की वर्किंग है, कोई इसमें 420 वाला काम नहीं है, ना कोई फेक वीडियो है। बस करना क्या है आपको, जितना अच्छे ढंग से आप बल्ले के अंदर की सर्किट को, जो सर्किट होती है वो बूस्ट करंट बनाती है, एक ही प्लेट लगती है मॉस्किट रैकेट में, मच्छर वाले बल्ले में, उसको आपको जितना अच्छी तरह से यहाँ सेट कर लें। देखो वही प्लेट आप देख रहे हैं, ये कैपेसिटर लगा हुआ, ये ट्रांसफार्मर लगा, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ, तो जितना अच्छे ढंग से इसको आप सेट कर लेंगे उतना ही बढ़िया ये बैटर वर्क करेगी, ठीक है। और यहाँ पर आप दोनों साइड से टेप लगा दें, क्योंकि बूस्ट करंट बनता है सिर्फ लास्ट में, जो पत्ती है आपकी ये ओपन होना चाहिए, ये लोहे की पत्ती जहाँ पर ये करंट जनरेट होता है, ये देखें ऐसे करंट जनरेट होता है, देखा बहुत स्पार्क करता है, उंगली लगने पर हल्का फुल्का टच करने पर स्पार्क करेगा, तो आपको हल्का सा शॉर्ट लगने का भी खतरा बना रहेगा। तो किसी भी चार्जर से, कोई भी चार्जर जैसे ये चार्जर है नॉर्मली, तो इससे हम इसको चार्ज भी कर सकते हैं, ऐसे लगाएंगे इसको तो ये हमारी आपका जैसे देखें आप, ये चार्ज भी होने लगेगा, ऐसे लगा देंगे तो ये 2-4 घंटे में चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने के बाद में कम से कम 8-10 दिन आराम से वर्क करेगा, ना तो कोई इसमें भींगने का खतरा है, ना माचिस गीली होने का खतरा है, ना आपको लाइटर ढूंढना है, ना ही आपको माचिस ढूंढना है। रसोई में गैस जलाइए, हर खेत खलिहान में सर्दी से बचने के लिए आपको आग जलाना है तो आप इससे आग जला सकते हैं। बहुत ही वेटर वर्किंग करने वाला ये इलेक्ट्रॉनिक गैस लाइटर, आप अपने हाथों से बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। कहीं भी इसमें कोई ऐसा सामान नहीं जिससे आप मॉडिफाई ना कर पाएँ, किसी भी मच्छर बल्ले की प्लेट को निकालें और बड़े आराम से आप लकड़ी का एक चिमटा लें 10-15 रुपये का, ऊपर उस प्लेट को सेट कर लें। सेट करने के बाद में प्रोसेस के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से ऊपर वाली पत्ती में ऊपर वाला कनेक्शन कर दें, क्रॉस करते हुए ये वायर डालें, वायर डालने के बाद में ये वायर दिख रहा है, वायर डालने के बाद में एक साइड से यहाँ पर आप जोड़ दें, दोनों कनेक्शन बाहर जाओ आपके जाएंगे, ये बटन को पुश करेंगे तो आपका बूस्ट करंट जनरेट होगा और यहाँ पर स्पार्क करेंगे और आपकी आग लग जाएगी। फिर आप दोबारा देख लें कहीं ऐसा, तो ये देखो रुई है, ठीक है, और इसको किसी भी रुई को आप हल्का सा इसमें केरोसिन या मिट्टी का तेल, या मिट्टी का तेल नहीं तो आप पेट्रोल कुछ भी आप ले लें, थोड़ा सा आपको लेना है और आराम से इसको लगा लें, बढ़िया बेटर काम करेगी। ये देखें आप लोग, लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इजी है और आसान बनाना। मैं अपने चैनल पर कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ जिसमें आप मेहनत करें वो वीडियो आपका कामयाब ना हो, वो प्रोजेक्ट आपका कामयाब ना हो, वो उपकरण आपका कामयाब ना हो। मैं वही वीडियो अपने चैनल पर डालता हूँ कि जिसमें आपकी मेहनत बेकार न जाए, आप आसान तरीके से उसको घर पर बना सकें। तो देखा आप लोगों ने कितना बढ़िया बैटर फर्स्ट क्लास, ये देखें इलेक्ट्रॉनिक लाइटर। तो कैसा लगा आपको, यदि आप हमारे इस वीडियो से संतुष्ट हैं, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ निवेदन है आप इस पर कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। मैं अपने चैनल पर आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, उनको रिप्लाई भी करता हूँ, बहुत खुशी होती है दिल से कि आप लोग हमें लाइक करते हैं। इसी के साथ आप लोगों से निवेदन है कि मैं अपने चैनल के लिए निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर पुश करें और मेरे स्वस्थ होने की कामना करें, क्योंकि 2 दिन से मुझे बहुत ही फीवर, हल्का जुकाम खांसी आ रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने कैमरे पर बैठा हुआ हूँ, लाइव हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।